हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट और 6 उपचुनाव के नतीजे को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हिमाचल की जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए भाजपा को समर्थन दिया है, जबकि उपचुनाव में जनता ने दल बदल को स्वीकार नहीं किया है और 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई है। लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है और मंडी और शिमला सीट पर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है। लोकसभा चुनाव में हिंदू और राम मंदिर फैक्टर के चलते भाजपा को फायदा हुआ। उपचुनाव के बाद हिमाचल में सरकार बनाने के भाजपा के दावों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। अपने बारे में कि नेशनल इश्यूज में एक हमारे यहाँ राम मंदिर का भी थोड़ा सा असर देखने में मिला, क्योंकि 97% हिंदू राज्य ये और उत्तराखंड में दोनों जगह देखने को मिला। तो इस दृष्टि से नेशनल इश्यू में तो उन्होंने डाल दिया। अब देखिए हमीरपुर पार्लियामेंट में जितने हम लोग विधानसभा के चुनाव जीते, वो चुनाव तो हमने जीते, लेकिन उस तीनों असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है। तीनों असेंबली कुटलैड, गगरेट, बड़सर, सुजानपुर, इन सब जगह क्या हुआ कि विधानसभा में तो हमको जिताया उन्होंने, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को वोट डाला, अनुराग ठाकुर को वोट डाला। तो इस संदर्भ में नेशनल में इश्यूज कुछ और थे, उसी विधानसभा में हमें जिताकर भेजा। हार के कारणों पर कांग्रेस मंथन करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता ने भाजपाइयों को आईना दिखा दिया है और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन भी देश में बेहतरीन रहा है। चारों जगह अच्छा संघर्ष हुआ, 2 जगह तो बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा और उसमें हमने कड़ी टक्कर दी, लेकिन लोकसभा की जो 4 सीटें हैं वो हम अभी जीत नहीं पाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा था, नेशनल इश्यूज पर ज़्यादा था। लोग नेशनल जब इश्यूज पर वोट करते हैं तो कई प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, कई प्रकार की बातचीत को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव को बहुत अच्छी तरह लड़ा। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ।